भी पकड़ लूंगी, इतने पास है। टेलीस्कोप से दिखने पर तारे पास ही दिखते हैं, पर वो हमारे पास नहीं आ जाते। स्टुपिड, तुमने मुझे स्टुपिड कहा? अब तुम बातें स्टुपिड वाली कर रही हो तो मैं तुम्हें स्टुपिड ही कहूंगी ना। क्यों, अगर मुझे तारे पास दिख रहे हैं तो मैं स्टुपिड क्यों हूं? वो तुझे पास दिख रहे हैं स्टुपिड, वो तेरे पास है नहीं। तुमने मुझे फिर से स्टुपिड कहा, तुम बड़ी हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें स्टुपिड नहीं कह सकती, लेकिन तुम स्टुपिड हो। पापा, पापा। क्या बात है आस्था? देखो ना पापा, मैं इतनी कितनी देर से समझा रही हूँ कि तारे दूर है, पर ये कहती है कि मैं तारों को पकड़ लूंगी। बेटा ये सच बात है कि तारे दूर होते हैं, लेकिन इंसान के दिमाग ने तारों की दूरी को कम कर दिया है। और जानते हो जिस तरह से टेक्नोलॉजी जा रहा है ना, वो दिन दूर नहीं जब इंसान तारों तक पहुंच जाए। चांद तक तो पहुंच ही चुका है। पापा, जैसे हम अर्थ पे रहते वैसे कोई सांस पे भी रहता है, और अगर हम वहां जाएंगे तो हम उनसे मिल सकते हैं। पर एलियंस होते नहीं है ना पापा? देखा, पापा ने कुछ नहीं कहा। अगर एलियंस होते ना तो पापा इस तरह चुपचाप नहीं बैठते, जरूर हाँ बोलते। नहीं, एलियंस होते हैं पापा। बेटा, अरे स्टुपिड, पापा इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी मशीन और टेलीस्कोप्स हैं। अगर एलियंस होते ना तो पापा अपनी टेलीस्कोप या मशीन से उन्हें देख लेते, है ना पापा? पापा, एलियंस होते हैं ना? नहीं, एलियंस नहीं होते। मम्मी, मैं पापा से पूछ रही हूँ, आप तो हमेशा दीदी की साइड लेते हैं, पापा एलियंस होते हैं ना? बेटा, एलियंस पापा भी यही कहेंगे, बोल्टी सीधी बातें कहकर बच्चों का दिमाग खराब नहीं करेंगे। बोलो राहुल, कह दो इन दोनों से कि ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा चलो, तुम दोनों अंदर जाओ और अंदर जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई और वैसे भी कल तुम्हारा स्कूल है ना। लेकिन पापा ने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है। पापा ने नहीं बोला, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ ना। चलो दोनों अंदर जाओ, कम ऑन। बाय पापा, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। एक दिन प्रूफ करके बता ही दूंगी। तुम कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगी स्टूपिड। तुमने मुझे फिर स्टूपिड कहा, चलो। Thank you.
राहुल 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 मैं अभी बोल रहा हूँ। अभी तुम मेरा मतलब है तुम ही हो ना? अभी अभी तुम ही बोल रहे हो ना? हाँ राहुल, और सुनो मैं यहाँ। हाँ बोलो बोलो, अभी कहाँ से बोल रहे हो? मैं डलहौजी में हूँ राहुल। डलहौजी में? लेकिन तुम दो साल तक थे कहाँ? राहुल तुम फौरन डलहौजी आ जाओ। राहुल पहले मुझे ये बताओ अभी तुम थे कहाँ? राहुल मेरे पास वक्त नहीं है राहुल, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तुम जल्दी आ जाओ। कौन कौन लोग तुम्हारे पीछे पड़े? एलियंस राहुल। क्या मतलब? वो सबूत मिल गया है जिससे हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि एलियंस होते हैं। सबूत? कैसे सबूत है तुम्हारे पास? हेलो 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 अभी हेलो अभी। क्या हुआ राहुल, किसका फोन था? Are you all right? रति, can you believe अभी का फोन था? अभी? क्या कह रहे हो तुम राहुल? अभी तो रति, अभी जिंदा है। जिंदा है? और मुझे डलहौजी जाना है। डलहौजी क्यों? क्योंकि अभी डलहौजी में है। रति, उसने मुझसे कहा था कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे हम साबित कर सकते हैं पूरी दुनिया को कि एलियंस होते हैं। बस राहुल बस, तुम्हें अपनी जिद और अपनी रिसर्च को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि उसके अलावा तुम्हें कुछ और नजर नहीं आता। फॉर गॉड्स सेक राहुल, मैंने पहले भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारी इन सब के अलावा अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक फैमिली है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में भी तुम्हें सोचना है ना। और पिछले दो सालों में तुमने अभी की खोज और अपनी इस रिसर्च में सब कुछ भुला दिया है, ये जानते हुए भी कि अब तुम्हें ऑफिस में कोई भी सपोर्ट नहीं करता, सब तुम्हारी पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं। स्टॉप बीइंग सेल्फिश राहुल, गॉड फॉरबिड अगर अभी की तरह तुम्हें भी कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा राहुल? अभी वाज माय बेस्ट फ्रेंड, और जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। और अब जब अभी वापस आया है तो मैं क्या खामोश होकर अपना मुंह मोड़ लूं? एक बार मैं अभी को खो चुका हूं, अब दोबारा उसकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। आई एम सॉरी, मुझे डलहौजी जाना होगा। प्लीज मुझे गलत मत समझना। सचिन, नाश्ता कर लो बेटा। तुम जानते हो कि नाश्ता के बिना तुम्हारी दादी तुम्हें कहीं जाने नहीं देगी। किया ना नाश्ता? सचिन, नाश्ता कर लो बेटा, चलो नाश्ता कर लो। दादी माँ प्लीज, हम बहुत लेट हुए हैं, हमारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। और जिंदगी भर इंतजार करते ही रहेंगे अगर तुमने नाश्ता नहीं किया। चलो नाश्ता कर लो। दादी माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, मत करो, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। लेकिन इतना समझ लेना कि जितनी जल्दी तुम नाश्ता करोगे उतनी जल्दी दोस्तों के पास पहुंचोगे। चलो नाश्ता कर लो। स्कूल का होमवर्क कर लिया ना? नहीं। बेटा आराम से खा। वो क्या कह रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे नाश्ता पूरा कर लेना सचिन। सचिन सचिन, दूध पी लो। इसके पैर में तो चक्कर है। क्या सचिन इतना लेट कर दिया? अब चलो चल चल। आज इस बुलाकर बिल्लो की वजह से उन बेचारे पिल्लो को कुछ नहीं मिला। कहाँ गए? कल तो हमने उन पिल्लो को यहीं पे छोड़ा।
होता था, इसीलिए तो हम तुम्हें आए थे बुलाने। अब क्या होगा? वह गए होंगे वो, लेकिन इतने छोटे पिल्ले भाग नहीं सकते, जरूर किसी बड़े जानवर ने उन्हें खाया होगा। नहीं, यही कहीं होंगे वो। हे भगवान, तुम अपने साथ ये लेके आए? किसे? तुम्हारा ये मशीनी खिलौना। ये कोई खिलौना नहीं है, ये तो। अब बंद करो तुम्हारे इस खिलौने की तारीफ करना। ये कोई ऐसा वैसा खिलौना नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, ताकत है तो दिखाओ, इतने दिनों से यही तो दिखते आ रहे हैं, इसे कुछ तो नहीं हुआ है। हमारे पापा के मशीन को ऐसा मत बोलना, इसकी ताकत ऐसे ही नहीं दिख जाती, हमारे पापा ने बनाया है ये। वो कहते थे कि इसकी मदद से वो सब कुछ दिख जाता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। अच्छा, हम अपने पिल्लों को अपने आंखों से नहीं देख पा रहे, तो तुम अपने खिलौने से हमें दिखा दो, तब हम मानेंगे कि तुम्हारे पापा और तुम सच कहते हो। ठीक है, आज हम तुम्हें इसकी ताकत दिखाते हैं। पता चला? दिखाई दी तुम्हें क्या हमारे पिल्ले कहाँ हैं? हम तुम्हें इसकी ताकत फिर कभी बताएंगे, अभी चल। कहाँ? पिल्लों को ढूंढने का एक तरीका आया है हमारे दिमाग में। सचिन, तुम हमें आज कहाँ ले जाने वाले हो? बेकरी में। ओ, तो तुम आज हमें एक केक खिलाने वाले हो? तुम्हें नहीं, पिल्लों को खिलाऊंगा। जब हम जंगल में जाएंगे ना केक और ब्रेड लेकर, तो पिल्ले खुद ब खुद आ जाएंगे हमारे पास। तो आज हम केक नहीं खाने वाले क्या? खाएंगे चंदू, हम भी खाएंगे। पर हम केक कैसे खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। आज हम केक बिना पैसों के खाएंगे। कैसे? वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। तुम बस ये काम करना कि तुम बेकरी वाले को बातों में उलझाए रखना, ठीक है? बच्चों आओ, क्या चाहिए? हाँ अंकल, आपने केक कभी बनाया? बेटा केक मैंने अभी बनाया। और ये पेस्ट्रीज? पैटीज मैंने अभी सुबह बनाई। और ये पेस्ट्रीज? पेस्ट्री मैंने कल बनाई। अंकल, आपने पेस्ट्री आज क्यों नहीं बनाई और ये पैटीज कल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बेटा पैटीज खाने में गर्म अच्छी लगती है। अंकल, ये पैटीज गर्म खाने में क्यों अच्छी लगती है और ये पेस्ट्रीज ठंडी खाने में क्यों अच्छी लगती है? वो अंकल, ये देना जरा। हाँ हाँ बेटा। चिपकली बखार, चिपकली को। अंकल डरिए मत, इसे हम निकालते। अब हम जाए? ठहर बेटा ठहरो, तुमने चिपकली बगाई है, तुम्हें केक तो मिलना ही चाहिए ना। अंकल वो ब्रेड भी मिलेगी? हाँ हाँ लो ना। थैंक यू अंकल। आना बेटा फिर से। हाँ जी हाँ जी। पिल्ले पिल्ले बाहर निकलो, हम खाना लेके आए हैं। बाहर आ जाओ, हम लोग खाना लाए हैं। पिल्ले बाहर निकलो। वो देखो पिल्ले। हाँ, हमने कहा था ना ये पिल्ले बहुत भूखे हैं, हमारे हाथ को तो इस पिल्ले ने चाट लिया, अब हम हाथ धोकर आते हैं, ठीक है?